फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, लीगल प्रोटेक्शन एंड चैलेंजेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आज के जो पैनलिस्ट हैं उनको उनका आपको तारुफ से पता चलूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब जैसे ही मैं आपका नाम लूँ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली जो आप लोग स्टेज पर तशरीफ लें हैं। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है जनाब पीटर जैकब साहब। पीटर साहब जो है आप जो है एक्टिविस्ट हैं माइनॉरिटी राइट्स पे और जो है ह्यूमन राइट्स के आप एक्टिविस्ट हैं। मैं पीटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप स्टेज पे तशरीफ लेके आए। एडवोकेट हैं और एक्सपर्ट हैं आप ब्लास्फेमी लॉज के जनाब रियाज अहमद साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ लेके आए जी। हमारे आज के तीसरे पैनलिस्ट जनाब अलेक्जेंडर काशिफ साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ लेके हैं। आप फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं क्रिश्चियन बार एसोसिएशन पाकिस्तान के, मैं आपको स्टेज पर वेलकम करता हूं। सीनियर्स की इजाज़त से आज का जो हमारा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, जब से ये मुल्क बना है तब से यहाँ पे ये इशू बार बार जो है वो रेज होता रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें मजहब के नाम पर जो है हमेशा परेशानियों का मुश्किलों का सामना रहा है। मेरा जो पहला सवाल आज का अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे ये होगा कि सर पाकिस्तान के अंदर जो ये मसाइल जिनका सामना माइनॉरिटीज को किया जा रहा है, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है या वो ऑडियंस जो कानूनदान के थ्रू हमें पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में देखेगी, उनको पहले इन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा पीटर साहब अगर आप उस पर रोशनी डालें कि किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे और इन मुश्किलात का जो हम उस पर आगे बात करेंगे हम इसका हल क्या ले सकते हैं। जहाँ पीटर साहब प्लीज। सबसे पहले हम एडवोकेट साहेब कानूनदान और रोया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू को यहाँ जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में आपने ज़ेर बहस रखा है वो मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी मौजू है। मजहबी आज़ादी का सवाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब तक अंडर डिस्कस्ड है। हमने आईन में और कवानीन में इसको शामिल तो कर लिया है लेकिन इस पर क्योंकि बहस नहीं हुई लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि क्या मज़हब अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले या अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर किसी को भी हासिल नहीं है और अंडर डिस्कस्ड होने के साथ सवाल ये है कि ये जो कवानीन में प्रोटेक्शन पाई जाती है और मैं थोड़ी सी उस पर बात करूँगा, उसके मुकाबले में जो लैक ऑफ प्रोटेक्शन है या आप ये कहें कि उसकी उन हकूक़ की पामाली जो पाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा है। लिहाजा मज़हबी आज़ादी तो उस तरह से मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मुयस्सर नहीं है किसी को भी अपने जोबन पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ कवानीन ऐसे बन गए जिन्होंने अवामी रवैयों की तश्कील दी है और वो इस तरह के दिए हैं कि वो एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम नहीं करते या वो एक दूसरे की के हकूक़ की पामाली का सबब बनते रहते हैं। तो जहाँ पे कानून में आर्टिकल 20 वो बड़ी सराहत के साथ ये कहता है कि हर किसी शख्स को यहाँ पर अकीदा रखने की, उस पर अमल दरामद करने की, अमल करने की और फिर उसका प्रचार करने की मुकम्मल आज़ादी है और ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट है इन नेचर। लेकिन उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि आलमी कवानीन में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एक ज़रूरी अमर होता है, एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का वो इंतहाई ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए वो अपनी आज़ादी मज़हबी आज़ादी इस्तेमाल कर सके। तो मज़हबी आज़ादी क्या है, इस सवाल पर आने से पहले ये क्यों ज़रूरी है कि ज़मीर की आज़ादी को किसी आईन में
तस्लीम किया जाए, जो कि पाकिस्तान के आइन में ये एक कमी रह गई है कि ज़मीर की आज़ादी को उस तरह से तस्लीम नहीं किया। ज़मीर की आज़ादी का मतलब इंफरादी तौर पर एक बड़ी बड़े लेवल की आज़ादी है। वो जिन ममालिक में ज़मीर की आज़ादी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो आप जानते हैं कि वो अपने ज़मीर यानी कि अपने सिर्फ कोई और उसको और वजह नहीं चाहिए तो अपने अकीदे और फहम के मुताबिक, अगर वो ये समझता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि वो उसके अकीदे के ख़िलाफ़ है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जबरी फ़ौज की मुलाजमत जिन ममालिक में है, हम जानते हैं कि जब वियतनाम की वॉर हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने ये पोजीशन ली कि ये उनके ज़मीर के ख़िलाफ़ है, तो इसको कॉन्शेंटियस ऑब्जेक्शन कहा गया कि ये मैं, तो वो उनको अदालतों में रिलीफ भी मिला। और आप जानते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे कैद पाए जाते हैं जो जंग में हिस्सा लेना या फ़ौज में भर्ती होना ये उनके अकीदे के ख़िलाफ़ है, तो इस बुनियाद पर उनको जो है वो ये रिलीफ मिलता है कि उनके लिए कानून की एग्जेम्पशन हो जाती है। तो वो एक थ्रेशहोल्ड है जो बड़ा है ज़मीर की आज़ादी का, अकीदे की आज़ादी जिसको हम कहते हैं। रिलीजियस फ्रीडम को इंटरनेशनल लॉ में बाद में फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ कहना शुरू कर दिया, और उससे मुराद ये थी कि अगर कोई शख्स जो मरवजा अकायद हैं और जो स्ट्रक्चर हैं उससे ताल्लुक़ नहीं भी रखता, उसका कोई अपना ही कोई अकीदा है, तो फिर भी उस अकीदे का भी एहतराम किया जाएगा, और अगर किसी का अकीदा नहीं है तो फिर भी उसका एहतराम किया जाएगा। तो ये चली गई हमारे यहाँ कानून में आर्टिकल 20 इज़ फॉलोड बाय 21 और 22, जिसमें कि उसकी एक सराहत हो जाती है कि ये जो अकीदा है इसकी बुनियाद पर किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, सो नो टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन, किसी एक अकीदे। ये सवाल अलबत्ता बाद में उठाया गया कि क्या ज़कात और उशर का कानून, जिसके तहत के एक जबरी कटौती की जाती है बैंक में, वो इस कानून की जो है वायलेशन करता है कि नहीं, तो ये अभी बहस ओपन है। लेकिन ये कि ये एक्सपेंसिव तस्वूर है, ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है आर्टिकल 21 में, और वो पाबंदी एक तरह से रियासत ने अपने ऊपर लगाई है कि कोई अकीदे की बुनियाद पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा। आर्टिकल 22 इसी तरह से ये पाबंदी लगाता है सरकार पे कि किसी बच्चे को वो तालीम नहीं दी जाएगी जो उसका अपना पस मंज़र, मज़हबी पस मंज़र नहीं, जो उसका अपना अकीदा नहीं है कि कोई और नहीं। लेकिन यही आज़ादी जब आर्टिकल 31 के तनाजुर में अक्सरियत बच्चों के लिए एक तरह से दी गई कि इस्लामियात लाजमी और अरबी की तालीम लाजमी हुई, तो वो उसका दायरा इस्लामियात के मज़मून और नाजरा तक नहीं रहा, वो तमाम मज़ामीन में शामिल कर लिया गया। तो अब ये बात जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, समातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, यहाँ पर भी पंसोटा साहब तशरीफ़ नहीं लाए, वो एक लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए हुए हैं एप्लीकेशन कि क्या ये जो सारे मज़ामीन में जो मज़हबी इसबाक शामिल किए जाते हैं वो क्या आर्टिकल 22 की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है। तो एक तो हुआ वो फ्रेमवर्क प्रोटेक्शंस का जो कि आइन में मौजूद है और दीगर कवानीन में मौजूद है, और उसी के पैरेलल हमारे कवानीन और हद ये के आइन में भी वो शिकें और दफ़ात शामिल हैं जो फंडामेंटल राइट्स को और ख़ास तौर पर मज़हबी आज़ादी के जो उसूल बयान किए गए हैं दस्तूर में उसी की वो ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। एक मिसाल जो है वो ज़हीरुद्दीन का केस है 1993 में, ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ, और मुद्दा ये था कि क्या ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 ए और बी जो कि अहमदी अकीदा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ऊपर ये पाबंदी लगाती है कि वो अपने अकीदे का प्रचार नहीं कर सकते, 298 सी, और वो 298 बी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो जो इस सवाल को तो ये जब आया सुप्रीम कोर्ट तो एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला जो है उस पर आया कि नहीं ये ऐसा नहीं है। हालांकि उस 298C बराह रास्त एक पाबंदी लगाता है कि ये इस अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अपने अकीदे का प्रचार नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद हमारे पास जिलानी जजमेंट है 2014 की, जिलानी जजमेंट जिसके अंदर के आर्टिकल 20 की बहुत नुमाया और मुनफरद तशरीह की गई। उसमें कहा गया कि ना सिर्फ ये कि आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स की दूसरी जो शिकें हैं उसके मुकाबले में एक प्राइमेसी है, इसकी प्राइमेसी ये है कि बाकी जो शिकें हैं उसमें कुछ कदगने लगाई गई हैं आज़ादी के इस्तेमाल के मुतालिक, जबकि आर्टिकल 20 में ये नहीं कहा गया कि ये आज़ादी की हदें जो हैं वो मोरालिटी, कॉमन गुड और इसके अलावा कोई शिकें हो सकती हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 में है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ताल्लुक़ रखता है, उसमें कुछ 5 कदगने लगाई गई हैं। तो इसमें क्योंकि रिलीजन स्पेसिफिक कोई कदगन नहीं लगाई गई, तो चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इस पर ऑब्जर्वेशन ये दी कि आर्टिकल 20 की जो एप्लीकेशन है और इसकी नेचर है वो उसमें एक प्राइमेसी पाई जाती है, ये बढ़ के है ये आज़ादी और ये हक, जो अकीदे की आज़ादी है उसका एक अलग मकाम है आइन की अपनी रूह से और अपनी उसकी वर्डिंग के मुताबिक। दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो अकीदे की आज़ादी है वो किसी और अकीदे के रोशनी में नहीं होगी, बल्कि ये उस फर्द का जिसका ये अकीदा है ये आज़ादी उसी के एतबार से होगी। तो इसमें भी रियासत को वो इख्तियार नहीं दिया गया कि वो ये हद मुकर्रर करे कि कहाँ तक कोई जुलूस जा सकता है और कहाँ तक कोई नहीं जा सकता, कहाँ तक जो है वो अकीदे की आज़ादी जो कि बुनियादी तौर पे एक एब्सोल्यूट राइट है उसकी सिर्फ एक्सरसाइज में पाबंदियाँ होती हैं, राइट इटसेल्फ जो है वो एब्सोल्यूट है। तो इस एतबार से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हम एक पैराडॉक्स की सूरत हाल देखते हैं, जहाँ कानून एक तरफ आज़ादियाँ बड़े मुनासिब तरीके से अच्छे तरीके से उसका फ्रेमवर्क देता है, उसी तरह से अमलन जो कानून बनाए जाते हैं, मसलन अब ये जो साइबर क्राइम का की रजीम आई है उसमें भी अकीदे की आज़ादी को बहुत मुतासर किया गया है, उससे पहले भी पब्लिक ऑर्डर से मुतालिक कुछ कानून हैं जो अकीदे की आज़ादी के ख़िलाफ़, ना सिर्फ ये कि वो आज़ादियों की तहदीद करते हैं, उसकी डिलिमिटेशन करते हैं, बल्कि हमने देखा भी है कि लोगों को जो है वो ज़िला बदर किया जाता है किसी ख़ास महीने में या उनकी सुबह बदरी की जाती है। तो ये कवानीन जो हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर वो इस्तेमाल भी हुए हैं। तो इस लिहाज से ना सिर्फ ये कि लोगों के एटीट्यूड में और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में बल्कि लॉ के अपने कंटेंट में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, एक पैराडॉक्स की सूरत हाल मौजूद है। मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं रियाज साहब की तरफ जाने से पहले वेलकम करूँगा जनाब जबे खालिद हाशमी साहब को, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इसी सर हम इस टाइम डिस्कशन कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन माइनॉरिटीज़ की और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिनको राइट प्रोवाइड्स करता है, मैं इसी सवाल के साथ रियाज अंजुम साहब के पास जाऊँगा जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रोया का भी और कानून दान का भी, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आपके सामने आके हम अपना ख्यालात का इजहार कर सकें इस सेंसिटिव मौजू के ऊपर। देखें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी तो माइनॉरिटीज़ ने कायदे आज़म का साथ दिया और उसी के रिस्पॉन्स में 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने एक स्पीच की और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मज़हब के
बुनियाद पर किसी को किसी पर कोई फकीयत हासिल नहीं होगी, क्योंकि मजहब हर एक का एक जाती मामला है। तो उस स्पीच को हम इसलिए इम्पोर्टेंट समझते हैं कि चूंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के सामने की गई, और ये वो असम्बली थी जिन्होंने आगे जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और एक एक तरह से कायदे आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशन का खाका दे दिया था, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये था कि मजहब हर एक का जाती मामला है और मजहब की बुनियाद पे किसी को फकीयत हासिल नहीं होगी और स्टेट के सामने सब शहरी बराबर हैं। लेकिन हम अगर तारीख को देखें तो इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुल्क में जो थियोक्रेसी है वो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उसका असर सुख बढ़ता गया, और उसके साथ साथ फिर एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म में भी इजाफा होता गया। अगर हम देखते हैं कायदे आज़म की जिंदगी में, तो कायदे आज़म ने हमेशा से ये बात की थी कि ये स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी, ये स्टेट एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कायदे आज़म की वफात के बाद जब एक क़रारदाद मक़ासिद पास की गई, तो तब से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें आई, डेमोक्रेटिक हो या वो जो डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट्स हो, रिजीम्स हो, उन सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया उन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने में या उनको प्रोटेक्ट करने में जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने में हौसला अफजाई की। लेकिन जब जमाना आया ज़ियाउल हक का, तो फिर वो लॉज इंट्रोड्यूस करवा दिए गए जिसको हम ब्लास्फेमी लॉज कहते हैं, जिसमें अगरचे ये ब्लास्फेमी लॉज कॉलोनियल दौर में भी थे, लेकिन उस वक्त इनकी सजाएं ये नहीं थी जो, और उनके जो वो टेक्स्ट था वो ये नहीं था जो आज मौजूद है। और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से इन ब्लास्फेमी लॉज को इस्तेमाल किया गया और मिसयूज किया गया, तो वो आपके सामने कई वाक़यात आते हैं, जैसे शांति नगर का वाक़या था, फिर जोसेफ क्लूनी का वाक़या था, फिर कई अनगिनत वाक़यात हैं। अभी जड़ावाला में आपने देखा इसी कानून को बुनियाद बनाकर और इसी एक पूरी की पूरी बस्ती को, बल्कि उस इलाके में कई 39-40 के करीब चर्चिज हैं, उनको जला दिया गया। तो इस लॉ का अगरचे मिसयूज शियाज के अंगेंस्ट भी हो रहा है और सुन्नी मुस्लिम्स के अंगेंस्ट भी होता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि वहाँ पे आबादियों को या गांवों को जला दिया गया हो। जब ये लॉ माइनॉरिटीज़ के अंगेंस्ट इस्तेमाल होता है, तो वहाँ फिर कॉलोनीज को और जो क्रिश्चियन आबादियाँ हैं उनको जलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये रिलीजियस फ्रीडम की बात है, तो उसमें तो आप ये देखें कि जो कुछ आर्टिकल्स हैं आइन के जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 22, 26 और 35, 36 है, लेकिन इसके साथ साथ फिर कंट्राडिक्शंस भी हैं। यानी मुल्क में आइन ये भी कहता है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसमें जो कंट्रेरी टू इस्लाम होगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो फिर इस कंट्राडिक्शन में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उस तरह से इक्वालिटी नहीं देता, तो एक जो एक महसूस करते हैं कि एक हम सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में रहते हैं, और फिर एक ये एहसास माइनॉरिटीज के अंदर पैदा होना कि शायद ये मुल्क जो है हमें इक्वल राइट नहीं देता। देखिए, जो फलाही रियासतें होती हैं उसमें जो स्टेट होती है उसका रोल माँ का होता है, और जो माँ होती है उसके नज़दीक जो सारे बच्चे हैं वो उनको इक्वल प्यार करती है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत में अगर हम माइनॉरिटीज़ के साथ रवैया देखें तो वो डिफरेंट है। यानी लॉज भी डिफरेंट है, लॉज इस तरह से डिफरेंट है कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज है उसमें अगर जो क्रिश्चियंस या कोई अदर बिलीफ्स के लोग हैं उनके जो जीसस है उनके बारे में कोई बात करे तो उसकी सजा फर्क है, अगर कोई प्रॉफिट के अंगेंस्ट कोई बात करे तो उसकी सजा फर्क है। तो ये यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A वो भी डिस्क्रिमिनेशन
की तरफ इशारा करता है, तो इस तरह से जो इक्वालिटी है वो नहीं है। तो दूसरी तरफ ये जो ब्लास्फेमी लॉ है वो हमेशा से माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हैंगिंग सॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जब तक इन लॉस के अगेंस्ट जो मिस यूज करते हैं कोई लॉस नहीं बनते, तब तक इन लॉस को मिस यूज होता, ये लॉस मिस यूज होते रहे। मैं अभी रिसेंटली एक केस बताता हूँ आपको। सितंबर में लाहौर के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई ब्लास्फेमी की, जिसमें दोनों मियां बीवी को के ऊपर ये एक्विजिशन लगाई थी कि इन्होंने कुराने पाक के औराक को फाड़ा है और फेंका है। जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई वो कहता है जी रात 12 बजे मैं एक गली में खड़ा था, तो इनके घर के ऊपर से औराक नीचे आ रही थी, तो मैंने देखा कि वो, मुझे लगा कि वो औराक कुराने पाक के हैं, तो मैंने फिर 15 पे कॉल की तो मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी। अब उन मियां बीवी के शौकत मसीह और किरण के तीन छोटे छोटे बच्चे थे, एक की उम्र 4 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी और एक की उम्र 10 साल थी। अब ये तीनों बच्चे एसएचओ की सिक्योरिटी में थे और इन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल में ले गया। विद इन वन डे इन्वेस्टिगेशन करके उनको मुल्जम डिक्लेयर कर दिया गया और उनको जेल में ले गए। जब हमने बेल्स के लिए कोर्ट में गए तो खुदा का शुक्र है कि उनकी बेल्स हमने करवाई और जज साहब ने यह लिखा कि यह किस तरह का एफआईआर है जिसमें ना किसी ने देखा कि इन्होंने पुराने पाक के औराक को फाड़ा, ना किसी ने फेंकते हुए देखा, ना फाड़ते हुए देखा, ना इन्होंने कुछ किया, तो उनके ऊपर ऐसे ही एक्यूज कर दिया गया। तो इस लॉज को इन लॉज को देखे तो ये हमेशा से ये लॉज पर्सनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए या पर्सनल बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इनको मिसयूज किया जाता रहा। अब रिमशा मसीह की मिसाल लें, रिमशा मसीह की केस में जिस बंदे ने कुरान पाक के औराक को जो तोहीन की थी वो एक मौलवी था, उसको छोड़ दिया गया। अगर उसको सजा दी जाती तो फिर इस तरह के वाकयात ना होते। तो हम समझते हैं कि इन कवानीन के मिसयूज को रोकने के लिए स्टेट को कानून साजी करना चाहिए ताकि इसके मिसयूज को रोका जाए। थैंक यू। आगे चलूंगा जनाब अलेक्जेंडर काशिफ साहब की तरफ भी इसी सवाल को लेकर। जी बहुत 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 शुक्रिया रोया का और खास कर कानूनदान इस टॉपिक के लिए आपने इनवाइट किया हमें। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है जो आपका मेन एस्पेक्ट है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तनाजर में अगर हम इसके ऊपर देखें तो पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का भी सिग्नेटरी है जो 1948 के अंदर है। उसके आर्टिकल 18 डिफाइन करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। इसके साथ साथ ही 1976 के अंदर इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर पॉलिटिकल राइट्स सोशल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी सिग्नेटरी है और उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके साथ फ्यू रिजर्वेशन के साथ पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। बट इन द सिनेरियो ऑफ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के तहत उसकी डेफिनेशन और बोथ इंटरनेशनल ट्रीटी की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है और उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि चेंज ऑफ रिलीजन की बात है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसकी सिनेरियो डेफिनेशन नहीं मौजूद है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मुराद हम नॉर्मल रूटीन में ही कहते हैं कि किसी भी शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अप्रोप्रिएट कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है। इट डजंट मीन कि मिनॉरिटी ही उसको रिलीजन को अप्रोप्रिएट कर सकती है, मेजॉरिटी भी अपनी मर्जी से जिस तरह का बिलीव भी चाहे वो अप्रोप्रिएट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। बट प्रैक्टिकली इन द सिनेरियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन पाकिस्तान में फॉर मिनॉरिटी स्पेशल क्रिश्चियन मिनॉरिटीज के मुतालिक बात करूँगा और हिंदूज के लिए भी उनके लिए आज़ादी मौजूद नहीं है इन द सेंस ऑफ द रिलीजन। उसकी बुनियादी वजह है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द रिलीजियस लॉज जो कि कर्टेल करते हैं उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वो अवेलेबल है यहाँ पर। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं रिलीजियस लॉज के अंदर जो एक ही लॉ जो बिलीफ के ऑपोजिट है जो रिसेंटली उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई हुई है वो 298B के बारे में है। कुछ अलकाबात और कुछ चीज़ें जो है होली
पर्सनैलिटीज़ के लिए यूज होते हैं वो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके रिलेटेड सजाएं मौजूद हैं। अब अगर आप क्रिश्चियनिटी की बिलीफ के अंदर आ जाएं तो कुछ थियोलॉजी और मेथोडोलॉजी मौजूद है जो कि कुछ अलकाबात या कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं फॉर पर्संस जो मौजूदा पर्संस भी हैं जिनको दूसरे रिलीजन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन उसके अंदर आप उसकी पाबंदी है क्योंकि कानून ये कहता है कि उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर द मिनॉरिटी वो नहीं मौजूद उस लिहाज से क्योंकि वहाँ पे लॉ मौजूद है उसको कर्टेल कर रहा है उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज भी देखें और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोटेक्शन किसी सूरत में भी नहीं करता। ये कह देना बिल्कुल आसान है कि जी हमने आज़ादी दी हुई है किसी भी मिनॉरिटी को कि वो अपना का मज़हब की आज़ादी से प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, बट उसके साथ साथ लॉ भी उसको कर्टेल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात मैं साथ नहीं करूँगा, अदर डिस्क्रिमिनेशन या अदर चीज़ें भी मौजूद हैं जो ड्यू टू रिलीजन ही हैं, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है ड्यू टू रिलीजन मौजूद है। तो इसी वजह से सिर्फ हम ये बात करें कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मौजूद है तो लिखने की हद तक सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 में मौजूद जरूर है, बट इट डजंट मीन कि उसके अंदर एक सबसे मेन चीज है कि बाय बर्थ वी आर क्रिश्चियन, बाय बर्थ वी आर मुस्लिम, ठीक है, बाय चॉइस नहीं, बाय चॉइस बाद में हम सिलेक्ट करते हैं। अगर इन केस आप इन द एज ऑफ मेजॉरिटी उसको चेंज करना चाहें तो सोशल सेटअप या रिलीजियस सेटअप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो उसको कर्टेल करता है, इवन के लॉज अभी तक लॉ ऐसा मौजूद नहीं है बट सोसाइटी डस प्रोहिबिट और उसके अंदर उसको रोकती है। तो इन द सिनेरियो ऑफ रिलीजन फ्रीडम वो अवेलेबिलिटी इन सोसाइटी पाकिस्तान में नहीं है उस हद तक, जबकि पाकिस्तान उन इंटरनेशनल ट्रीटीज का सिग्नेटरी है जिसके अंदर इसको डायरेक्टली लिखा गया है कि हम जिस तरह से भी मर्जी इसको रिलीजन की फ्रीडम हासिल है। तो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं इससे रिलेटेड, जैसे आप माइनॉरिटीज की हद तक अगर हम बात करें तो सेक्शन आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 के अंदर बड़ा आसान लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज अवेलेबल है उसके मुताबिक उनको सेफ गार्ड किया जाएगा, बट वो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज या इंटरेस्ट जो लेजिटिमेट राइट है वो क्या है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया, वो एक वेग कॉन्सेप्ट उसके अंदर रखा गया है। इसी तरीके से कि आप आर्टिकल 25 में इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात कर लें तो वहाँ पे इक्वालिटी रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन उसको एक्सप्लेन नहीं किया, रेस रिलीजन व्हाटसोएवर वो उसको कहीं पे भी इक्वालिटी को डिफाइन ही नहीं किया गया रिगार्डिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज से। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप रिलीजियस इन द सिनेरियो ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उसकी प्रोटेक्शन उस सेंस में मौजूद नहीं है जिस सेंस के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज का वह अपना सिग्नेटरी है। थैंक यू। मैं यही सवाल लेके जाऊंगा खालिद हाशमी साहब के पास। जी थैंक यू। आज जिस मौजू का इंतखाब कानून दान ने किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो मौजू हैं उन पर बहस मुबासा होना चाहिए ताकि इस मुल्क में मजहबी रवादारी टॉलरेंस जो है वो प्रमोट हो। तो मैं पंजाबी के एक शेर से आगाज़ करूँगा कि आजा दोनों मिल के पढ़िए एक दूजे के अंदर में, ना तू मेरी मस्जिद पाने ना मैं तेरे मंदिर में। तो दुनिया में जितने भी मजाहब हैं वो इंसानियत की तालीम देते हैं, अच्छाई की तालीम देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसानों को मजहब की बुनियाद पर आप डिस्क्रिमिनेट करें तो ये इंतहाई गलत है और इससे सोसाइटी में इंतहा पसंदी जन्म देती है। पाकिस्तान का जो अलमिया है वो ये है कि यहाँ इस इंतहा पसंदी को एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में परवान चढ़ाया गया और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो पीपीसी में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिससे जो मजहबी बेसिस पर
लोगों को विक्टिमाइज किया गया और उसको टूल बना के उन सेक्शंस को जो है वो लोगों के साथ जो है मारवा समूह किया गया। तो उससे क्या हुआ कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो अदम मुसावात हुई और उससे इन जो है सोसाइटी में इंतहा पसंदी इंट्रोड्यूस हुई और बेशुमार वाकयात ऐसे हुए जिसमें जो है विभिन्न लोगों को विक्टिमाइज किया गया। बाद में जब वो मैटर्स जो हैं वो हाई कोर्ट या एपेक्स कोर्ट में आए तो वो लोग जो है वो उस इल्ज़ाम से बरी हुए, बाइज़त बरी हुए। बेशुमार केसेस हैं जिनको हम मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान जो है उसमें जिन आर्टिकल्स में इस चीज़ को फसाहत से बयान नहीं किया गया, ये हमारी पार्लियामेंट की और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको बाज़ाब्ता जो है डिफाइन करें और मजहबी जो आज़ादी है उसको यकीनी बनाया जाए। क्योंकि जो आईन जो लाइफ और लिबर्टी की गारंटी देता है उसी आईन में जो है वो मजहबी आज़ादी जो है उसको किसी तरह से भी मुबहम अंदाज में नहीं होना चाहिए, उसे बाज़ाब्ता जो है इंटरप्रेट किया जाना चाहिए और मजहब के मजहब की बुनियाद पर किसी भी हमारी पीपीसी की प्रोविजन जो है उनको सेक्शंस को जो है वो टूल बना के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त फरमा रहे थे कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच थी वो उनमें उन्होंने बाज़ाब्ता एक लाइन ऑफ एक्शन दिया जिसमें कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्च, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल एंड वी हैव नो कंसर्न विद रिलीजन, स्टेट हैज नो कंसर्न विद रिलीजन। हर बंदा जो है वो अपने मजहब को जो है वो उसका जाती मामला है, रियासत का मामला नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब पार्टीशन हुई तो उसके कुछ अरसा तक तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी मजहबी इंतहा पसंदी नहीं थी हमारे मुल्क में। उसके बाद एक ऐसा दौर आता है, स्याह दौर ज़ाहिर हक का, कि जिसमें वो पूरे 11 साल जो है वो मजहबी तौर पे लोगों को विक्टिमाइज किया जाता रहा और फिरका वारियत ने जन्म लिया। इवन जो है वो मुसलमानों ने फिरका वारियत ने जन्म लिया और उसमें इंतहा पसंदी ने जन्म लिया और कत्लो गारत करी हुई फिरके के नाम पे, मजहब के नाम पे। तो जिससे रियासत जो है वो हमारी रियासत तरक्की नहीं कर सकी। दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो इसलिए तरक्की याफ्ता हैं कि उन्होंने मजहब को इंडिविजुअल की हद तक रखा। जब मजहब, आप यूरोप की हिस्ट्री देखें, जब मजहब यूरोप में मजहब जो है वो रियासत का मसला रहा तो पूरा जो वेस्ट है उस वो तरक्की नहीं कर सका। वेस्ट ने भी तरक्की उस वक्त की जब उन्होंने किंग और पुलिसा के रोल को जो है वो रियासत के अमूर से अलग कर दिया। जब तक रियासत पे किंग और पुलिसा ये छाए रहे तो उस वक्त तक वो लोग जो है वो बदहाली का शिकार रहे। मजहबी रवादारी ना होने की वजह से रियासतों ने मुआशी तौर पर भी सफर किया, इंसानी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि मजहबी रवादारी जो है वो बहुत ज़रूरी है और रियासत की ये जिम्मेदारी है, हमारी पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो इस पर वर्कआउट करें और इसको प्रॉपर अंदाज में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करें और यकीनी बनाएं लोगों की लाइफ और लिबर्टी जो है उसके तहफ़ को यकीनी बनाएं। वरना यहाँ पे मजहब की बेस पे विक्टिमाइजेशन का अमल जारी रहेगा और मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की हवस का निशाना बनते रहेंगे जो मजहब को टूल बनाकर लोगों को विक्टिमाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी जिससे हमारे पैनलिस्ट ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन बात की है, एक चीज़ है अभी बात हुई ब्लास्फेमी लॉज पे और दूसरा हुआ है मजहब की तब्दीली पर। मैं थोड़ा सा अपने पैनलिस्ट को बताता चलूं कि अभी इस पैनल डिस्कशन से पहले यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक सवाल जो है एक पार्टिसिपेंट की तरफ से ये पुट किया गया
कि जब हम बात करते हैं कानून के गलत इस्तेमाल की या ब्लास्फेमी लॉ के गलत इस्तेमाल की, तो यहाँ पे 302 या बाकी जितने भी जो कानून हैं उनका भी गलत इस्तेमाल होता है, तो क्या ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत है या इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को? पीटर साहब प्लीज। आर्गुमेंट ख़ास तौर पर हमने देखा कि कई दफ़ा जो मजहबी नुक्ता नज़र के जमातें हैं उनकी तरफ से किया जाता है कि देखें जी कानून बजाते खुद तो बुरा नहीं है, ये जो हम ख़ास तौर पर जिसको हम ब्लास्फेमी लॉ के रिजीम कहते हैं, और इसमें टेक्निकली स्पीकिंग मैं सिर्फ 5 दफ़ात हैं जिनको शामिल समझता हूँ, 295B 295C और 298A, B और C, ये वो दफ़ात हैं जो ज़ियाउलहक के दौर में इनका आगाज़ हुआ, पहली 4 दफ़ात इसमें शामिल की गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए से और फिर एक पार्लियामेंट के की कानून साजी यानी 295C जो है वो कानून साजी के ज़रिए से पार्लियामेंट, वो जो एक आपको पता है कि गैर जमायती इंतखाब हुए थे और उसको भी हम जमहूरी ईवान तो नहीं उस तरह से कहते, तो उसके दौर में 1986 में दाखिल हुई। तो ये हैं ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, ये इसकी इंटरप्रटेशन है, शितम हो या ब्लास्फेमी, ये दो टर्मिनोलॉजी ये इस्ताहें जो हैं जो वो आम ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती हैं, ये कानून की ज़ुबान तो है नहीं। तो सवाल ये है कि क्या दीगर कवानीन का भी बद इस्तेमाल होता है तो इसका भी बद इस्तेमाल हो जाता है, तो उसकी कोई शरह होगी, कोई रेशो होगी? इसका जवाब ये है कि ये जो कानून बने हैं, पहले तो मैंने जैसे कहा कि ये गैर जमहूरी ईवानों में या ऑर्डिनेंस के ज़रिए से पास हुए, इस वजह से इनकी हैसियत गैर जमहूरी दौर की है और गैर जमहूरी तरीके की है। दूसरा, इसके हम क्योंकि कानूनदानों की महफिल में बैठे हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इन कवानीन की हैसियत कुछ अलग है। इसमें पहले नंबर पर तो ये कि जो नियत का एलिमेंट होता है उसको नज़रअंदाज किया गया है। दुनिया भर के फौजदारी कानून में नियत को मनफी कर दिया जाए तो उसकी ग्रेविटी वो नहीं रहती किसी भी ऑफेंस की या एक्शन की, वो ग्रेविटी नहीं रहती, लेकिन इसकी सज़ा जो है वो दूसरा जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट है। आप जानते हैं कि जो पेनल्टी होती है वो इट इज़ अगेंस्ट द डैमेज कॉस्ट, वेयर एज इन दिस केस द डैमेज इज़ येट टू बी प्रूवन, वो एक अजम्पशस डैमेज है। अगर हम साबित करना चाहें कि इससे फलां हस्ती की कोई इंसल्ट हुई तो वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, और इसमें डैमेज कितना हुआ वो भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरफ। तो इस तरह से एक तो जो फौजदारी कानून के और फौजदारी तरीक़ा कार के कार्रवाई के जो मुरवजा आलमी मयारात हैं उससे इनहराफ किया गया है, और दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशन नहीं है, ऑफेंस इज़ नॉट डिफाइंड कि ये जो रिलीजियस इंसल्ट है वो है क्या। और इसीलिए हुआ ये कि जब इस वाक़यात इस किस्म के सामने आए तो किसी ने ये भी समझ लिया कि अगर किसी ने सही तरीके से सलाम नहीं किया तो वो इंसल्ट है, किसी ने कहा कि कोई बैठने का तरीका ठीक नहीं था, किसी का उठने का तरीका मायूब लगा, तो इस वजह से इसका ओपन अब्यूज़ जो है इट वाज इनबिल्ट, इट वाज अनअवॉइडेबल। ये इस कानून का और वो बाकी चीज़ों का फ़र्क ये है कि हमने जानते बूझते एक डेफिशिएंट कानून बनाया, एक कानून बनाया जिसके अंदर प्रोसीजर की, डेफिनेशन की, एप्लीकेशन की फ्लॉज मौजूद थे, और एक जज्बाती तरीके से इसको जो है वो ना सिर्फ नाफिज किया गया बल्कि उसको जब लागू किया गया तो फिर भी उसके अंदर उसका बद इस्तेमाल जो है वो यकीनी था एक लिहाज से कि वो होना ही था। तो ये फ़र्क है इसमें एक बुनियादी।
सर देखें, मैं सबसे इत्तफाक करता हूं और इसमें दो जो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये फर्क है। देखिए 302, पहली बात तो यह कि जब 302 किसी के ऊपर लगती है या वो कोई कमिट करता है ये ऑफेंस, तो उसकी सजा उसको मिलती है। लेकिन अगर ब्लास्फेमी लॉ कोई कमिट करे या उसके ऊपर इल्जाम भी आ जाए, तो उसकी सजा सिर्फ उसको नहीं मिलती, वो पूरी की पूरी जो बस्ती है उसको जला दिया जाता है। इसकी और वहां पे जो इलाके के मकीन है वो हरासा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाता है और बस बात उनको एट वंस उसी एट द स्पॉट उसको उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल 302 और दूसरे जो फेंसिस है उससे मुख्तलिफ है। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी का हम माजर के साथ थोड़ा सा सब एक्सप्लेन करता चलूं। बात ये मेरा सवाल ये है कि हम बात करते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ को गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि बाकी कानून को भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरा इस पे बेसिकली मैं आपकी राय चाहूंगा। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये दूसरे लॉज से ये लॉज इसलिए मुख्तलिफ है कि दूसरे लॉज को जब आप वायलेट करते हो या कोई कमिट करते हो, क्राइम कमिट करते हो, तो उसमें इंडिविजुअल को सजा मिलती है। इसका मिस यूज इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसमें सजा सिर्फ एक विक्टिम को या एक जिसके खिलाफ ये एक्विजिशन है उसको नहीं मिलती, पूरी की पूरी कम्युनिटी को मिलती है। इसलिए ये और दूसरी बात ये है कि जिसकी निशानदेही पीटर साहब ने की, क्रिमिनोलॉजी का एक असूल है कि एक्सरिया और मंजरिया मिले तो फिर क्राइम है। ये ब्लास्फेमी लॉ वाहद लॉ है जिसमें मंजरिया को तो रखा ही नहीं गया। वो कहते हैं जी ठीक है इसने कर दिया, इसकी नीयत और इसके मोटिव की बात की नहीं जाती, और ये इवन कोर्ट्स की भी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर मौजूद है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये उन लॉज से मुख्तलिफ है। अगर उनका मिस यूज होता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, अगर इसका इस लॉ का मिस यूज होता है तो वो पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट मिस यूज होता है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। असल में जो आप डेफिनेशन या आपका जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग ऐसे लॉज जो कि लॉज रिलेटिंग टू रिलीजन है, उनसे अलावा जो लॉज यूज होते हैं उनसे मुतल्लिक है, लेकिन उनका अपना अपना एक सिनेरियो है। जो रिलीजियस लॉज हैं उनका तो एक फैक्चुअल अगर आप देख लें तो उनका इम्पैक्ट आपको सोसाइटी पे बड़ा वास्ट नजर आता है। रिसेंट वाक्य आप जड़ा वाला का देख लें, चलें तसव्वुर ये कर लें कि जी वो एक शख्स गलत है और उसने कोई कमिटमेंट की, उसने कोई ब्लास्फेमी की और उसके उसकी फैमिली या वो शख्स पकड़ा गया। अब वो 80 घर जो जले और जो 21 चर्चेज जले और उन चर्चेज के साथ जो मुकद्दस किताबें डिस्ट्रॉय हुई, वो उसका इम्पैक्ट था जो फसाद बरपा हुआ। ठीक है, अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो वो तो कभी होना ही नहीं चाहिए था इन दी प्रेजेंस ऑफ सेंट कैंथरी के माहिदे की सूरत में, जिसको बकायदा आसिया बीबी की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया उसमें। तो अगर वो उसको तो देखता ही कोई नहीं, अगर वो तो बाइंडिंग है एज अ रिलीजियस बाइंडिंग है तमाम कम्युनिटी के ऊपर, वो तो कभी किसी सूरत में आप पे पाबंदी है फॉर मेजोरिटी इस्लाम मुस्लिम्स के ऊपर कि आपने किसी सूरत में भी दूसरी कम्युनिटी के चर्चेज या उनकी इबादत गाहें नहीं जलानी। तो क्या आपने फैक्चुअली कहीं पे देखा है कि इन लॉज की मौजूदगी में जो पूरी की पूरी कम्युनिटी इफेक्ट होती है? अब तो ये होता है कि आफ्टर जड़ा वाला अगर आपने तमाम सोशल मीडिया इवन के अगर आप इसको फैक्ट को भी देखें तो उसमें उसके बाद 73 के साथ दूसरी आबादियां भी भागी हैं। अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद लोग डर गए और वो घर छोड़ के चले गए। तो अगर एक शख्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता हो तो उसकी उसका सिनेरियो फर्क है। इस लॉ की वजह से इसके जो चैलेंजेस हैं वो इतने के भयानक चैलेंजेस हैं कि उसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका बदल जाता है। मतलब आप ये सिनेरियो अंदाजा करें कि अगर कोई शख्स किसी आबादी को जो जोसेफ कॉलोनी के अंदर भी होना शुरू हुआ था, अगर कोई जगह कीमती है और वहां पर कोई मिनॉरिटी वहां पर रह रही है और वो जगह खाली नहीं कर रही, तो किसी शख्स के ऊपर सिर्फ एक इल्जाम लगा देना और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर प्ली प्लैंड उस आबादी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो वो तो एक इसका इम्पैक्ट है बहुत बड़ा।
मैं इस जड़ावाला के वाक्य के बाद मैं ये इवन कि हम इस बुरे हालत में है कि इफेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट का भी सिनेरियो बड़ा अजीब है कि हमने जुडिशियल कमीशन के लिए पिटीशन डाली और जो कि अभी तक पेंडिंग है ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर, उसके अंदर हमारी डिमांड थी कि जो इफेक्ट हुआ वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो गवर्नमेंट मशीनरी है जिसने अपने जो फ़राइज़ है वो सही अंजाम नहीं दिए, तो उनकी एक्सप्लेनेशन या उनकी दादरस्ती के लिए, उनको पिन पॉइंट करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और गवर्नमेंट का क्या है आगे से सिनेरियो बड़ा अजीब है कि हमने तो पेमेंट कर दी है, हमने तो उनकी जो चीज़ें थी वहाँ पे तबाह हुई थी, हमने तो चर्चेज बना दी हैं, हमने तो घरों वालों को पेमेंट्स कर दी हैं, तो उसके बाद तो अब उनका कोई सिनेरियो नहीं रहता। तो ये इम्पैक्ट है इस लॉ का, ये इम्पैक्ट है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट का, ये इम्पैक्ट है इसके अफेक्ट, क्योंकि उसको सामने ले नहीं सकते। तो अगर आप देखें तस्वीर में तो क्या वो खवातीन जो वहाँ से बेघर हुई थी, सरों के ऊपर उनके दुपट्टे नहीं थे, वो खेतों में चली गई, क्या वो उन बहू बेटियों से डिफरेंट हैं जो कि मुस्लिम्स की हैं या दूसरे की हैं? इक्वल सिटीजन, जब इक्वलिटी की बात करते हैं देन दे आर ऑल्सो इक्वल, क्या उनकी इज्जत पामाल हुई है, उनकी डिग्निटी खराब हुई है? लेकिन ये उसका आफ्टर इफेक्ट है, नोबडी कंसिडर दैट। गवर्नमेंट तक ये सिनेरियो पर स्टैंड करती है कि हमने पैसे दे दिए हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे दे दें और रिलीजियस मिनोरिटीज के साथ ड्यू टू दिस इफेक्ट आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस मिनोरिटी की प्रोटेक्शन, वो तो फिर एक लफाजी लफाजी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये नहीं है किसी भी सूरत में। इसलिए 302 का इफेक्ट और रिलीजियस लॉ का इफेक्ट बहुत डिफरेंट है। थैंक यू जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेक्शन है पीपीसी के ब्लास्फेमी से रेलेवेंट 295(c)(b), इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो मुल्ला ज़दा सोसाइटी है जिसमें रियासत जो है डायरेक्ट उसकी पेट्रोनेज है इंतहा पसंद मुल्ला को, मजहबी इंतहा पसंदों को रियासत अपने मकासद के लिए जब इस्तेमाल करेगी तो फिर इस तरह के मामला आगे बढ़ेंगे। अब इसकी जो ये जो सेक्शन है जब ये लगते हैं किसी पर तो आप यकीन मानिए कि इन्वेस्टिगेशन का अमल इंतहाई डिफेक्टिव होता है। इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो मजहबी इंतहा पसंदों के खौफ से डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है और बंदे को गिल्टी करार दे देती है, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं करती, नंबर वन। नंबर टू, जब वो केस ट्रायल के लिए लोअर जुडिशरी के पास जाता है तो वहां पे जो जज साहबान हैं वो भी इंतहा पसंदों के खौफ से एक एनेक्डोटल एविडेंस जो एक कमजोर साबित होती है उसकी बेस पे सजा सुनाते हैं इन ए हेस्टी मैनर, और वो अपनी जान छुड़वाते हैं कि कहीं अदालत पे हमला ना हो जाए, मुझे कहीं घर जाते हुए गाड़ी में मार ना दिया जाए। और ये हुआ भी है, आरफ इकबाल भट्टी साहब हमारे हाईकोर्ट के जस्टिस थे तो उनका मर्डर हुआ, उन्होंने जब फैसला सुनाया हाईकोर्ट में तो बड़ा मशहूर केस था, वो याकूब मसीह गलबन उसका टाइटल था, बड़ा मशहूर केस था वो, आसमा जहांगीर साहब ने उसको केस लड़ा, सलामत मसीह जी जी। उसमें उसकी उस केस के कुछ अर्सा बाद ही आरफ इकबाल भट्टी साहब को दिन दिहाड़े जो है उनके ऑफिस में मर्डर कर दिया गया। तो ये चीजें जो है लोअर जुडिशरी जो है वो खौफजदा है कि भाई हम अगर फैसला मेरिट पे करेंगे तो हमें घर पहुंचने से पहले मर्डर कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो खौफ में है कि हम अगर मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें घर में पहुंचने दिया जाएगा। तो ये हमारे इदारे जो हैं, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, पुलिस है, इनको भी ये भी अदम तहफ़ का शिकार है। इसलिए ये जो सेक्शन है, मैं कहता हूं कि अगर दुनिया के हर मुल्क में ब्लास्फेमी का लॉ मौजूद है और वहां पे उसकी जो एप्लीकेशन है वो बड़े फेयर और प्रॉपर अंदाज में है
ट्रांसपेरेंट अंदाज में इन्वेस्टिगेशन होती है, सजाएं भी मौजूद हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद था, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के हर मजहब में जो उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, उनके प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे काबिले तकरीम हैं और सबकी रिस्पेक्ट है, और सबकी रिस्पेक्ट जो है वो करनी भी चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मैं तो समझता हूँ कि इंसानियत है, अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मजहब नहीं है। सबसे पहले इंसान होना जरूरी है, उसके बाद मजहब की कैटेगरी आती है। तो पाकिस्तान में अलमिया ये है कि यहाँ पे डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और इदारों को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनको तहफ़ ना होना, जुडिशरी का को तहफ़ ना देना रियासत की जानब से, और सबसे बड़ी मुनाफ़त जो रियासत के पार्ट पे है वो ये है कि मजहबी इंतहा पसंदों की पुश्तनाही करती है रियासत, और अपने मजबूर मकासद के लिए मजहबी इंतहा पसंदों को रियासत आने के तौर पर एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो है हम आज भी जो हमें आज़ादी मिले हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं, बट वी हैव बैडली फेल्ड टू डिटरमिन आवर वे ऑफ डायरेक्शन, नीदर वी आर लिबरल नॉर वी आर रिलीजियस। हम एक कंफ्यूज नेशन के तौर पर जो है वो दुनिया आलम में जाने जाते हैं, एक इंतहाई कंफ्यूज नेशन जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत का ये बुनियादी फर्ज है कि वो तमाम तर जितनी भी कम्युनिटी पाकिस्तान में आबाद है उनको तहफ़ फ्राहम करें, और जो कानून है उनकी एप्लीकेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, तो जो ये अदम रवादारी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, और जिस तरह से इन सेक्शंस को जो है मिसयूज किया जाता है वो खत्म हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अपने पैनलिस्ट से आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं ऑडियंस की तरफ जाऊंगा। इसा भी हाशमी साहब ने जिक्र किया एजेंसीज को जो या जुडिशरी को जो मुश्किलात का सामना है, मेरा तो आप सबसे सलूशन या मैं आपकी राय चाहूँगा इस हमारी जो पूरी डिस्कशन है उस पर, कि हमारी जुडिशरी का या एजेंसीज का रोल क्या होना चाहिए जो सारी प्रॉब्लम है उसको, और ख़ास तौर पे जो फोर्स कन्वर्जन है या जबरी मज़हब की तब्दीली है उससे रिलेटेड हमारे लॉज या जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो किस तरह का होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जुडिशरी का और जो हमारी एजेंसीज हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका रोल क्या होना चाहिए। ठीक है सर, प्लीज जी। इससे पेशतर के ये जुडिशरी तक बात आए, प्रोसिक्यूशन का बहुत ज़रूरी रोल है, जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत सी चीज़ें फिल्टर होके आती हैं। इससे पहले कि प्रोसिक्यूशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पीस एंड ऑर्डर उसको रिस्टोर करना होता है। मैं थोड़ी सी आपके मालूमात के लिए इस वक्त बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर अडयाला जेल और लाहौर की जेलों में इस वक्त साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस वो आ रहे हैं, और जिसमें कोई एक बच्चा है उसने कोई पोस्ट जो है वो लाइक कर ली कोई, और ज़्यादातर जो पोर्नोग्राफी के केस होते हैं और फिर उसमें कोई एलिमेंट जो है तो मज़हब का होता है तो वो ब्लास्फेमी के अंदर बुक हो रहे हैं, तो सैकड़ों के एतबार से लड़के जो हैं वो कोई सखर से कराची से गुजदार से वो जहाँ से किसी ने कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल किया वो किया जा रहा है, इसलिए कि इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है। और FIA में एक ख़ास डिपार्टमेंट एक बना दिया गया, सेल बना दिया गया है जो ब्लास्फेमी लॉ को ही इस्तेमाल करता है, और उसमें क्योंकि जिसे पंजाबी में कहते हैं ओला बहुत है, और उसमें जब कोई उसमें आ जाता है तो फिर रिश्वत और ये चीज़ें टॉर्चर ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त ख़ास तौर पर डेफिशिएंट है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि चंद केसों में अब ये सैकड़ों की तादाद हर साल इसमें इजाफा होता है, और 2500 के करीब तो हमारे पास डेटा है इन केसेस का पिछले 30 साल में, लेकिन अगर इसको सरकार इसको जारी करे तो मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार से कम केस नहीं है। और जैसे रियाज साहब ने इस पर कहा है कि ये एक फर्द नहीं होता, पूरा ख़ानदान अजाब में आ जाता है, वो शख्स जो है घर के अंदर बैठा हुआ वल्नरेबल हो जाता है। इस वजह से वो चंद एक मिसाल है,
वो चंद एक मिसालें जिसमें हम कहते हैं कि जज ने दिलेरी की, पुलिस ऑफिसर ने सोहेल नासिर चट्ठा की मिसाल है जो शेखुपुरा में केस हुआ, सोहेल जफर चट्ठा, बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद डोगर ने कोई सवा महीना एक कार्रवाई है गुजरांवाला में रोक के रखी और अनरेस्ट को रोका। फिर इसी तरह से नसीम सादिक एक ऑफिसर थे। तो ये एक तरफ जब जजेस की बात आती है तो वी डोंट नेम जजेस, बट कुछ जजेस ने बड़ा अच्छा काम भी किया है। उन्होंने प्रोसिक्यूशन को चैलेंज किया है, उसकी स्टोरी को चैलेंज किया है, और जब ट्रायल हुआ है तो पूरे इंसाफ के साथ ये भी किया है। तो वो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स भी हैं। चांद बरकत का पहला केस था कराची में जो 295C के तहत हुआ, उसमें यही हुआ, एक खातून जज थी, उन्होंने जुर्रत की और केस जो है वो रिजॉल्व हो गया। एक बिल्कुल ही नाजायज केस था, गलत इल्ज़ाम था। तो ऐसा भी है। तो फ्रॉम ट्रायल टू अपील हम ये देखते हैं कि अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन जुडिशरी क्या करे, जिस तरह से पेंडेंसी का रेट है, लाखों में जो है वो पेंडेंसी है, बैकलॉग है, तो वो बेचारे जो है ना वो जेल के अंदर हों। तो आपको पता है कि यूसुफ अली वो कोटलाकपत जेल के अंदर कत्ल हो जाता है, अनीस मलाह जेल के अंदर कत्ल हुआ है, कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। तो इस वजह से इसको अगर जिसका इसका जिसे कहते हैं ना कि कोई सच्चा तोड़ करना हो इस अब्यूज़ का, तो फिर आपको ज़रूर कानून को भी देखना पड़ेगा और सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये ज़्यादती हो रही है। वरना लोग ये कहेंगे अच्छा ये वो हमारा जस्टिस सिस्टम ख़राब है, इसमें भी ख़राब है। जस्टिस सिस्टम को ख़राब ऐसे कानून ने किया है जिसकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एविडेंस जो है, जैसे मैंने कहा कि अब वो जज क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो रिलीजियस इंसल्ट क्या होती है, वो डेफिनेशन नहीं है लॉ में नहीं है, तो वो किस तरह से पूरी हो। तो यकीनन ये इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव इलाज इसका सोचना पड़ेगा, ना सिर्फ कानून में तरमीम, रवैयों में तरमीम, पब्लिक एजुकेशन तस्लीम करके। और इसका पहला कदम यही होगा ना कि सरकार एक मरतबा ये पूरा डेटा जारी करे, और अगर हमसे पूछे तो हमें तो मालूम है कि इस साल जो है वो एक्सपोनेंशियल केस हुए और उसमें 50% शिया के खिलाफ है, 298A का इस्तेमाल हुआ है बहुत, और वो इसलिए हुआ है आपको पता है कि कौमी असम्बली ने और सेनेट ने 298A में सज़ा में इजाफे का कानून पास कर दिया। जनवरी में पास हुआ, फिर अगस्त में पास हुआ सेनेट में। शुक्र यह है कि सदर ने इस पर दस्तखत नहीं किए, इस पर असेंट नहीं दी, वरना इसका अब्यूज़ आप जानते हैं कि ये जो शुमाली इलाका जाता है इसमें कितना अनरेस्ट है, ये सरगोधा और फैसलाबाद के इलाकों में कितना अनरेस्ट रहा है, कितने मजबूत आबाद गाँव पर अटैक हुए हैं। तो इस वजह से इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगी, और इसका किसी ना किसी कैबिनेट को बैठ के, किसी ना किसी असम्बली को बैठ के इसको इसके ऊपर सही डेलिब्रेट करना पड़ेगा। क्या सर सजेशन? ऊपर क्वेश्चन था ना आपका जी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से है कि जब देखें जो माइनॉरिटीज़ की लड़कियां, स्पेशली जो हिंदूज़ की लड़कियां हैं और साउथ पंजाब में, सिंध में स्पेशली और साउथ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में क्रिश्चियंस की, तो उसमें हम ये समझते हैं कि हम जब कोर्ट्स में जाते हैं और लड़कियां प्रोड्यूस होती हैं कोर्ट में, जब कोर्ट्स में आर्गूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक नाबालिग बच्ची जो अपना आईडी कार्ड नहीं रख सकती, जो अपना वोट नहीं डाल सकती, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस का राइट नहीं है, तो उसको ये कैसे राइट दे दिया जाए कि वो अपना जो एक मोस्ट सेंसिटिव फेथ का मामला है और वो अपना मजहब कैसे तब्दील कर सकती है जिसकी उम्र 12 साल है, 13 साल है या 14 साल है। तो मैं ये तो वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो आपको पता है अभी लॉयर है या सारे लॉयर्स बैठे हैं, वहाँ पे वो मैटर ऑफ प्योबर्टी आता है कि जी ये मैटर ऑफ प्योबर्टी है, तो जब अगर प्योबर्टी अटेन हो चुकी है तो वो शी कैन मैरी। तो हम ये कहते हैं कि हम मैरिज की तो बात नहीं कर रहे, हम तो फेथ की बात कर रहे हैं,
हम तो रिलीजन को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम समझते हैं कि लॉज होने चाहिए और इनेक्टमेंट की जरूरत है ताकि ये जो फोर्स्ड कन्वर्शन का मामला है इनको रोका जाए, और एक स्पेसिफिक एज डिटरमिन करनी चाहिए स्टेट को कि जो मेच्योरिटी एज है 18 साल, 18 साल से पहले कोई भी नाबालग जो बच्ची है या बच्चा है वो अपना मजहब तब्दील ना करे। तो इन केसेस में मोस्टली फिर होता ही है कि इनमें जो बच्चियों को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उनका मजहब चेंज करवाया जाता है उनको, जब वो कोर्ट्स में आती है। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें हमने जब लड़कियों को प्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने जब स्टेटमेंट्स ये दी कि मैं अपने ये जो सो कॉल्ड निकाह है या जो मेरा यहाँ पे खड़ा ही क्लेम्स के वो हस्बैंड है, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते, हम अपने वालदैन के साथ जाना चाहते हैं। और जब हमने उनसे फैक्ट फाइंडिंग की बाद में तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला गया था कि आपकी फैमिली को मार दिया जाएगा, अदरवाइज कोर्ट के अंदर भी आपने ये बयान देना है कि आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो स्टेटमेंट देने के लिए और मर्जी के साथ आप अपने हस्बैंड के साथ जाओगे। तो इस तरह की जो लोक रूल्स हैं मैं समझता हूँ उसके ऊपर इनेक्टमेंट की जरूरत है, और जब इनेक्टमेंट हो जाएगी तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो उनमें खासी कमी होगी। थैंक यू। काफी सर, जहाँ तक फोर्स कन्वर्जन की बात है, फोर्स कन्वर्जन के मुतालिक तो स्टेट तो वैसे ही डिनाइल में है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि रिलीजियस मिनिस्ट्री इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, और आफ्टर जब बहुत सारे इस तरह की ये बात सामने आई कि फोर्स कन्वर्जन है और फोर्स मैरिजेज हैं, तो इसके मुतालिक एक बाकायदा एक लोगों को पे बनाया गया वहाँ पर मीडिया के सामने, जी कि वहाँ पर बयान करें कि जी हमें फोर्स नहीं, हमने अपनी मर्जी से रिलीजन चेंज किया है। और अल्टीमेटली वो बकायदा एक प्रोग्राम के अंदर झगड़ा हुआ और वो मिनिस्टर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी बनाई के ऊपर बात की गई। तो जहाँ तक हमारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर मिनोरिटीज़ को, और जो खासकर मैं कहता हूँ जो रिलीजियस लॉज हैं उसका इस्तेमाल खाली सिर्फ मिनोरिटीज़ नहीं है, मेजॉरिटी के ऊपर भी अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डाटा में अगर देख लें तो बहुत सारे मेजॉरिटी में इस कानून का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह के मामला जो हैं वो हर जगह पे अवेलेबल हैं, और जहाँ पे मौजूदा तौर पर रिलीजियस मिनोरिटीज़ की बात करते हैं तो रिलीजियस मिनोरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं पिछले सालों में, बहुत ज़्यादा इस लॉ के ऊपर यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा केसेस हुए और उन केसेस का सामना करना पड़ा, उसमें वाकई ही साइबर क्राइम का भी इस्तेमाल किया गया और FIA अब बाकायदा इसका इन लॉज को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा केसेस दर्ज कर रही है। और आपको अच्छी तरह इलम है एज लॉयर होते कि जैसे ही ये लॉ किसी पर इम्प्लीमेंट हो जाता है और किसी जगह FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उसी सिनेरियो से गुजरना पड़ता है, और तमाम जजेस और तमाम जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, FIA है, वो उसी सिनेरियो में ला कर उसको डील करती है। और वो खाली वो बंदा अफेक्टेड नहीं होता, बकायदा पूरी फैमिली, पूरा इलाका, पूरा ख़ानदान जो उस पर अफेक्ट कर जाता है। तो जो चैलेंजेस तो वो अवेलेबल हैं, लेकिन अब इनका आखिरकार तो इस डाइवर्स माशरे में रहते हुए जो कि हमने यहाँ पर एज ए रिलीजियस मिनॉरिटीज रहते हुए यहाँ पर रहना है, तो इसका हल भी तो ढूंढना चाहिए कि खाली सिर्फ बातें और उसकी निशानदेही करना ही ज़रूरी है। तो मैं जहाँ तक है कि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस पर्सपेक्टिव को एडमिट करना चाहिए कि ये सिनेरियोस और ये जो सोसाइटी में जो मसाइल हैं ये फैक्चुअली हैं इनको, और इनको डिफाइन करना चाहिए और लॉ में अमेंडमेंट करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा मैं एक हमारे लिए तो एक और भी इशू है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अलावा रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ लॉज है। खाली लॉज जनरली नहीं है, यह कि सिर्फ कि रिलीजियस लॉ से रिलेटेड या चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट में ए चेंज करनी है, हमारे अपने जो रिलीजियस लॉज हैं वो भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो अवेलेबल ही नहीं है, उनकी अमेंडमेंट्स नहीं है, उनके नई सिनेरियो में उनके ऊपर नए लॉज इंप्लीमेंट।
हेलो, नए लॉज अवेलेबल नहीं। जैसे हम, मैं एक जनरल एज लॉयर होते बात करूंगा कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट हमारी लॉ में उस वक्त तक, आज तक 1947 से लेकर आज तक कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुई और उसकी मुश्किलात का सामना पूरी कम्युनिटी को है। और उसकी सिनेरियो में मैं बात करूंगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इतनी बुरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया गया है कौमी असेंबली के अंदर कि वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं है माइनॉरिटी से रिलेटेड जो कि इलेक्ट होके गया हो। रिगार्ड 18वीं तरमीम में अचानक तब्दीली कर ली गई कि पार्टी सिनेरियो में लाकर अब वो पार्टी सिलेक्शन के ऊपर आएंगे, तो पार्टी सिलेक्शन में जो शख्स आया होगा वो पार्टी पॉलिसी से कभी बाहर बात नहीं कर सकता और वो कभी भी वहां पे कोई लॉ वहां पे पेश नहीं कर सकता जो कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात करें। तो हमारा तो यहाँ पर पूरा इलेक्शन सिस्टम का इशू है जो अफेक्ट कर रहा है माइनॉरिटीज को। इसके अलावा लॉ की अनअवेलेबिलिटी भी नहीं है, खाली रिलीजियस लॉ की मौजूदगी में नहीं है, दूसरे लॉज भी ना होने के लिए वजह से ये इफेक्ट होते हैं। अब मैं उसकी, मैं मेंटेनेंस के रिलेटेड बात करूंगा। हमारे आम मसाइल हैं हमारी फैमिली लॉज के अंदर कि खवातीन के बच्चों और खवातीन की मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें कानून अवेलेबल होना चाहिए कि बच्चों को कैसे, उनको कितना खर्चा मिलेगा, तो जनरल लॉ वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ जाता है। स्पेसिफिकली रिलीजियस मेड लॉज मौजूद नहीं है जो कि अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ हों। तो यहां पर खाली कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, मैं कहता हूं कि इसके अलावा लॉज भी उनको फोर्सफुली उस तरफ धकेल रहे हैं। तो इसलिए ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक एक्सप्रेशन है, इसको कहा जा सकता है कि एट दी सिनेरियो, अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो को उसके ऊपर रखें तो पाकिस्तान का सिनेरियो किसी भी सूरत में उसमें पूरा नहीं उतरता। लॉज अवेलेबल नहीं है सोसाइटी में, इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द रीजन बनती है। अगर इंसान के पास खाने को कुछ नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको जॉब्स नहीं मिल रही और उसको डिस्क्रिमिनेटेड है ड्यू टू रिलीजन, तो वो अल्टीमेटली वो तो एक पैकअप होता जाएगा एक जगह पर और उस सिनेरियो अपने भी। इसी वजह से अगर आप देखें एट दी जो सेंसिस दिए गए हैं कि एट दी जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त 2.3% माइनॉरिटीज अवेलेबल थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों कम होती जा रही है, वो जा किधर रही है, कभी किसी ने इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अगर 1.59 क्रिश्चियन कम्युनिटी रह गई है और 1.60 एज पर सेंसिस, जिसके साथ मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन सेंसिस पाकिस्तान के मुताबिक, तो इनसे सवाल करने की जरूरत है गवर्नमेंट से कि वो अचानक ये माइनॉरिटीज गई किधर है, अचानक ये डिक्रीज की आबादी में हो रहा है, उसकी रीजंस क्या है और उन रीजंस को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने वर्क नहीं किया और सिर्फ वाकयात पर वाकयात होते जा रहे हैं और उन वाकयात का इफेक्ट माइनॉरिटीज के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, वो यहां से माइग्रेट कर रही हैं किसी ना किसी सूरत में, लेकिन हमारा सिनेरियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो खुद इस डिनाइल पोजीशन में आ चुकी हुई है कि फोर्स कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को वो मानती नहीं है, वो उन वाकयात को एक्सेप्ट ही नहीं करती, जबकि रिलीजन को यूज किया जाता है इन द शेप ऑफ मैरिजेस और उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। जब एक बच्चे को, एक बच्चे की बच्ची को पेश किया जाता है और उसके सामने निकाह नामा और कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो वहां पर आप खुद हाईकोर्ट में देख चुके हैं कि वहां पर वो जजेस भी थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाते हैं। तो कौन यहां पर इनको, एक एक जनरल बात है कि फ्रीडम कहां पे है। फ्रीडम जिस बुक्स के अंदर, जो खूबसूरत किताब 1973 के आईन की सूरत में है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं है, लेकिन वो होगा कैसे। अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट लेवल के पर जरूरत है कि वहां पे ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज हो जो कि अपने मसाइल को उन फोरम्स के ऊपर क्लियर कट बताए कि जो फैक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज में मौजूद है, और अगर ग्राउंड रियलिटीज के जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बता सकेंगे तो पॉलिसी कभी मेक नहीं होगी। विदाउट द जो इफेक्टिव पीपल हैं उनके ऊपर आप पॉलिसी उनके बगैर कैसे बना सकते हैं। तो इनटॉलरेंस बिहेवियर तो अपनी जगह पे है क्योंकि तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रही। थैंक यू। आपके फाइनल थॉट जी। ये फोर्स कन्वर्जन के हवाले से आपका सवाल बड़ा वैलिड है और ये बेशुमार वाकयात जो हैं वो
इंटीरियर सिंध में या उसके मजाफात में ये पंजाब के काफ़ी सारे अजला जो हैं उसमें ये वाक़ रूनमा हुए। और उसमें मेरे दोस्त बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अदालत जो है जब उसके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं तो अदालत भी बेबस हो जाती है और वो बाकायदा फिर उनको वैलिड करार दे देती है फोर्स्ड कन्वर्जन को। और इस तरह के जो अवामल हैं उनसे क्या हो रहा है, उनसे सोसाइटी में आप नोटिसेबल ये चीज़ है कि आप देखें कि माइनॉरिटीज़ जो हैं दे आर फ्लीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। ये रियासत को इस पर सोचना होगा कि ये एक ऐसा काम है जिससे पूरे का पूरा सिस्टम जो है फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसका मजहबी तो हवाले से जो है वो बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होती है और इंतहा पसंदी इन वाक़ात से जन्म लेती है। लोग जब सिस्टम से मायूस हो जाते हैं तो वो फिर क्राइम करते हैं, फिर वो स्टेट के सामने हथियार उठाते हैं। तो लोगों को मैं समझता हूँ कि रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को इंश्योर करें कि ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं इनके हवाले से प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अपने बिलीफ्स के मुताबिक अपने अकीदों के मुताबिक वो जिंदगी गुजार सकें और इस मुल्क में रहें जिस मुल्क में वो पिछले 76 सालों से रहे हैं। ऐसे क्या वजूहत हैं कि इस मुल्क को जो है वो छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा ज़िंदगी का जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो वो लोग फिर बाहर ही जाएंगे। और हमसे अच्छी तो बाहर की रास्ते हैं जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है हमारा यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनको वो फिर तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनको जान का और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जो कि गारंटेड है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे बेशुमार जो है ये इस तरह के वाकयात सिर्फ रियासत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से रूनमा होते हैं और लोगों का जब रियासत से या अपने सिस्टम से एतमाद उठ जाता है तो फिर जो है वो अनारकी जन्म लेती है। तो उस अनारकी को रोकने के लिए इंतहाबंदी को रोकने के लिए रियासत को जो है वो प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए और ये फोर्स्ड कन्वर्जन वाला जो इशू है फोर्स्ड कन्वर्जन वाला इशू जो है इसको एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आखिर में सर की जो है ना वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा सर। मैं यहाँ पर मौजूद दोस्तों के लिए और कैमरे के ज़रिए से जो नाज़रीन इसको देखेंगे उनको एक प्रोडक्शन है हमारी हमसाया के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म बनी थी जिसको वेनिस में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन ह्यूमन राइट्स का अवार्ड मिला वेनिस में जून में। तो उसका तذکرہ करना चाहूँगा, आप ये वेबसाइट पे मौजूद है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है वो काइंडली अगर आप देखें तो वो भी कुछ सवालों के जवाब वो भी मुहैया करती है। दूसरा मैं आपसे तذکرہ करना चाहूँगा कि अकलीती फोरम पाकिस्तान ये एक नेटवर्क है हम ख्याल लोगों का जिन्होंने हालिया इलेक्शन में एक मुहिम शुरू किया है और इस मुहिम का उन्वान और पैगाम है मैं भी पाकिस्तान हूँ और 5 मुतालबात कम अज़ कम जो है ना उसको एम्फसाइज किया जा रहा है जिसमें एक मुतालबा जो है जबरी तब्दीली मज़हब के इससे मुतालिक भी है, कम सन की शादियों से मुतालिक भी है और कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर से मुतालिक है कि उसको आइन का हिस्सा बनाया जाए, निसाब का हिस्सा भी बनाया जाए। हम समझते हैं कि करारदाद मकासद के ज़रिए से जो गलत बुनियाद पड़ी है और जिसका तज़किरा यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट ने किया है साथियों ने कि एक पाकिस्तान का एक मजबूत रियासत का तशख़्स वो बना दिया गया है बजाय ये कि जमहूरी रियासत के वो उसका भी जवाब हो सकता है। जिलानी जजमेंट के अंदर जो अहकाम हैं उस पर अमल दरामद भी उसी कैंपेन का हिस्सा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में
जहाँ जहाँ मुमकिन है बैनर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इन पांच मुतालबात को सियासी जमातों और के गोशगुजार किया जाए और सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए। मुझे लगता है कि अब जो एक तरह से डिक्लाइन हमारी जमहूरी निज़ाम का और बंदोबस्त का हो रहा था उसमें एक रोक लगी है और इन इंतखाबात के ज़रिए से जो नतायज बरामद किए जा सकते हैं और इस पाकिस्तान में इसकी तश्कील नौ का जो फरीजा दिया जा सकता है, मैं ख़ास तौर पर अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द होल पैनल आई वुड लाइक टू थैंक कानून दान और रोया और तमाम लोग जिन्होंने यहाँ पे उसामा साहब आपने एडवोकेट उसामा साहब आपने इसको बहुत अच्छा किया और हमारे पैनलिस्ट ने इसमें अपने तफसील से बात की और भी गुफ्तगू जारी रहेगी जिसे कहते हैं कि यार जिंदा सोहबत बाकी। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रोया के जो तमाम मेंबर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इस घुटनज़दा माहौल में आपने एक जो है ना एक उम्मीद की शमा जलाई है। बस जो अगर बात हम करेंगे तो बात जो है आगे बढ़ेगी, बेहतरी आएगी। तो तमाम ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।